देखो पीछे तो हम लोग दोनों गोलू और मैं अट जाएंगे। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज है 14 फरवरी दिन सोमवार। आज हम लोग पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं टांगीनाथ धाम। ये पड़ता है झारखंड में, गुमला जिले के डुमरी प्रखंड में पड़ता है और यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग टांगीनाथ, मेरा बेटा साकेत का मुंडन के लिए जा रहे हैं। तो मेरा बेटा साकेत का मुंडन अभी तक नहीं हो पाया था, तो उसका मुंडन संस्कार के लिए हम लोग टांगीनाथ धाम जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है बिहारी का बोलेरो बुक किए हैं, तो साथ में बिहारी भी जा रहा है, अपने गांव का लड़का है, तो उसका ये बोलेरो है, तो इसमें हम लोग जा रहे हैं। और अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं, तो हम लोग को करीब 2 घंटा का रास्ता तय करना पड़ेगा, 2 घंटा लगेगा यहाँ से टांगीनाथ धाम पहुँचने में। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए, हम आज हम आपको टांगीनाथ धाम को अच्छे से वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ मेरा बेटा साकेत का मुंडन संस्कार भी होगा, तो उसको भी कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अभी हम 10 मिनट के अंदर में हम लोग निकल रहे हैं, निकलने की तैयारी करते हैं। तो सबके गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम लोग टांगीनाथ धाम के लिए निकलते हैं। दोस्तों हम टांगीनाथ धाम पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे को और मेरे ससुर को जी के साथ हमको बाइक में आना पड़ा क्योंकि बच्चे लोग जिद किए, तो गाड़ी में जगह नहीं हुआ। जो गाड़ी बुक किए थे बोलेरो में, तो बोलेरो में पूरा फैमिली और बच्चे लोग आए और हम दोनों के लिए जगह नहीं हुआ, तो मैं और मेरे ससुर जी जो है बाइक में आए। तो पहुँच चुके हैं और गाड़ी पहले पहुँचा और गाड़ी पार्किंग में उधर लग चुका है और उन लोग चढ़ चुके हैं। तो हम लोग जो है यहाँ से बाइक में ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ बड़ी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं है, केवल बाइक जा सकता है। तो हम लोग बाइक में अभी ऊपर जाएंगे। तो ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं और हम लोग नहाए नहीं है, तो यहाँ एक छोटा सा जो है जलधारा बहती है पहाड़ों से, तो वहाँ नहाना शुभ होता है, तो वहीं नहाएंगे। तो अभी ऊपर गाड़ी में चढ़ते हैं, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। चलिए पापा। तो यहाँ मुंडन कर रहे हैं, तो मुंडन के लिए बात करने आए हम लोग, देखते हैं सेट करते हैं। तो हम लोग जो है मुंडन के लिए ठाकुर तय करके आ गए हैं और चूंकि हम लोग घर से नहा के नहीं निकले हैं, वो इसीलिए कि यहाँ जो है एक छोटा सा झरिया टाइप से बहता है, तो यहाँ नहाना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ स्नान करके पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है, एक प्रकार से गंगा की तरह पवित्र जो है यहाँ एक निर्मल धारा बहती है, जहाँ स्नान करना बहुत पुण्य होता है। तो इसीलिए हम लोग घर से कोई नहा के नहीं निकले हैं, तो पहले स्नान कर लेते हैं और स्नान करने के बाद मेरा बेटा साकेत का मुंडन होगा, फिर मुंडन करने के पश्चात फिर हम लोग फिर टांगीनाथ जो बाबा हैं वो फिर वहाँ पूजा पाठ करेंगे। तो इधर हम लोग देखिए दोस्तों उतर रहे हैं, देखिए पूरा पहाड़ है देखिए, और यहाँ पर हम लोग
ट्रैक करके उतर रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ किस तरह से है। कलकल की ध्वनि सुनाई दे रही है आगे। अब उस जलधारा के पास पहुँचते हैं। मैं पहले एक बार टांगीनाथ आया था, लेकिन मैं इधर जलधारा को देखने के लिए नहीं आया था। ये देखिए किस तरह का रास्ता है, देखिए पूरा पत्थरों से, पत्थर और चट्टान है। वाह, अच्छा इस टाइप से है तो ठंडा तो लगेगा पापा इधर। हाँ, ठंडा तो लगेगा, तुम्हें क्या है? धूप भी नहीं है ढंग से ना। हाँ, कड़ाके की सर्दी और ऊपर से ये पहाड़ों से निकलता हुआ ठंडा जल। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से घने पेड़ हैं और यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो बिल्कुल यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ पास पहुँच रहा है। अब देखते हैं जहाँ पास स्नान करते हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है या नहीं, वहाँ धूप है या नहीं। तो हम लोग स्नान के लिए यहाँ चयन किए हैं। देखिए तो ये छोटी सी जो जलधारा है ये ऊपर पहाड़ों से आ रही है। देखिए कैसा जगह है यहाँ पास, घने पेड़ और छोटी सी जलधारा यहाँ। और यहाँ नहाने के लिए इसी टाइप से बहुत सारा जगह है, क्योंकि पत्थर है और पानी इस टाइप से पत्थरों में रुका हुआ है, तो कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। तो हम लोग जेंट्स लोग यहाँ स्नान करेंगे अभी और बाकी लोग ऊपर स्नान कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोग स्नान करते हैं फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग जो है स्नान कर चुके हैं और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, हद से ज़्यादा ठंडा था। तो नहा के बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो इस तरह का जंगल है देखिए, और पत्थर वाला पहाड़ है, और इधर ये सीढ़ी है जाने के लिए। दोस्तों चलिए अब हम टांगनाथ धाम के कथा के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ दो तरह का जो है कथा है। पहला ये है कि जब सीता का स्वयंवर होता है तो जो है आप जानते ही हैं कि रामायण में जो वृतांत है, कथा है, तो सीता का जब स्वयंवर होता है तो वहाँ जो है भगवान राम जो है परशुराम भगवान का दिया हुआ धनुष को तोड़ देते हैं, और तोड़ने की वजह से भगवान परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और श्री राम भगवान को बहुत भला बुरा कहते हैं। लेकिन भगवान राम के मौन रहने की वजह से वो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं कर पाते, लेकिन लक्ष्मण के साथ उनका वसा वसी होता है। फिर उसके बाद जो है वो जान जाते हैं कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो फिर वहाँ से जो है वो आत्मग्लानी होकर वो बहुत दूर चले जाते हैं। और यहीं जो टांगनाथ धाम जो ये पर्वत है यहाँ पास आके अपना फरसा को गाड़ के ये करीब 1000 वर्ष तक जो है तपस्या करते हैं, अपना जो आत्मग्लानी है अपने भूलवश जो वो किए, भगवान विष्णु भगवान राम को नहीं जान पाए, तो उसकी वजह से वो प्रायश्चित करने के लिए यहाँ 1000 साल तक तपस्या करते हैं। और वही उन्हीं का जो फरसा है वो जमीन में गड़ा हुआ है। और दूसरा जो कथा है कि शनिदेव से भगवान शिव जो है क्रोधित हो गए और क्रोध के फलस्वरूप जो है वो अपना त्रिशूल को निशाना लगाए थे, और भगवान जो शनिदेव हैं वो छुपकर इसी पहाड़ पर आ गए और छुप गए, तो उनका जो त्रिशूल था भगवान शिव का वो इसी पहाड़ी में बहुत अंदर तक धंस गया। तो वही जो है त्रिशूल अभी भी है, और वो त्रिशूल और फरसा दोनों है वहाँ, तो उसकी वहाँ जो है जंग नहीं लगता, और अभी तक उतने सालों के बाद जो है गड़े रहने के बावजूद भी वहाँ पर जंग नहीं लगता है। तो इस तरह का यहाँ कथा है। पहले हम लोग जो है अपना बेटा का मुंडन करा लेते हैं
उसके बाद जब दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हम पूरा कवर करेंगे। तो इस तरह से बाबू साकेत का मुंडन हो गया। तो मुंडन कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो इधर ये भगवान परशुराम का परसा रखा हुआ है, ये देखिए, और ये बहुत अंदर तक धंसा हुआ है ऐसा कहा जाता है। और इधर शिवलिंग वगैरह है और मंदिर इधर है। तो चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान सांगनाथ शिव बाबा का धाम। और ये देखिए मंदिर परिसर, जय टांगीनाथ बाबा की जय। ये तो मेरा बेटा साकेत देखिए मंदिर में चल कूद कर रहा है। चलो बेटा चलो पूजा पाठ करेंगे, चलो। चलो 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 चलो। दोस्तों टांगीनाथ धाम बहुत ही रमणीय जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। इधर देखिए चिड़िया चहचहा रहे हैं और ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ हैं। और इधर ये बड़ा सा पहाड़ है, इधर देखिए बहुत ऊंचा पहाड़ है इधर।
और हम लोग नहाने के लिए इधर गए थे। इधर नीचे जाएंगे तो एक छोटा सा जो है झरिया टाइप से नाला बहता है, जो बहुत ही निर्मल और शुद्ध पानी बहता है। और इधर ये देखिए, इधर टांगीनाथ धाम का मंदिर है। तो यहाँ पास बहुत ही बेहतरीन लगता है, बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है भगवान के दरबार में यहाँ पास बैठना। तो दोस्तों हम लोग टांगीनाथ धाम में मुंडन संस्कार करके, पूजा पाठ करके अब वापस जा रहे हैं। सब हो गया है।